हाय गाइस, आज जापान एसबी के बीच यूरोलीग का मैच खेला जाएगा। तो इस मैच का आप लोगों को प्रेडिक्शन दूंगा, कौन सा प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है इसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखते रहना। तो चलिए गाइस, टीम के बारे में हम लोग बातें एनालिसिस कर लेते हैं। गाइस, आप सभी के लिए हमारा रियल टेलीग्राम चैनल, हमारा रियल टेलीग्राम चैनल का सब्सक्राइब करके 20.2 का रन सब्सक्राइब आप लोग को दिख जाएगा, देख सकते हो 19-12, जस्ट आप लोग देख लो। आप लोग अगर ऐसे 19-12 करना चाहते हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को जो लिंक मिलेगा उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। इधर पर आप लोगों को फाइनलिटी मिल जाएगा, कितना 20,200 रन सब्सक्राइब आप लोग को दिख जाएगा 20.2 के। वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को जो लिंक मिलेगा उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। इधर पर आप लोगों को फाइनलिटी मिल जाएगा, देख सकते हो 19-12, जस्ट आप लोग देख लो। तो चलिए टीम कार्ड में हम लोग को बातें एनालिसिस कर लेते हैं। गाइस, अब सभी के लिए मेरी टीम में मैं नाटे ऑल्टोस को लिया, उसके बाद मैं ओबाशोवन को लिया, पेलिए को लिया, एनडीकोलो को लिया, पी जैक्सन कार्टर को लिया, उसके बाद उन्हें बैकून को लिया, उसके बाद मेरी टीम में मैं डेउल्स लिया, पापागनेस को मेरी टीम में मैं अभी के लिए लेके जा रहा हूँ। इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन तो फिलहाल अभी के लिए बन रहा है। मेरा कैप्टन कौन बनेगा? मेरा कैप्टन बनेगा डी बैकून, वाइस कैप्टन बनेगा डेउल्स। आप लोग चाहते हो तो एनडीकोलो को बना सकते हो, बट बेंच में आता है इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा। लास्ट मैच में डेउल्स बहुत ही अच्छा किया था, इसलिए भी बनाने का दो रीजन रहेगा। में कुछ भी चेंजेस होगा तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को जो लिंक मिलेगा उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। आप लोगों को फाइनल टीम मिल जाएगा।